बरेली में पिछले दिनों हुए बवाल को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके बाद भाजपा नेता भड़के हुए हैं। इस पूरे मामले की शिकायत डीआईजी से वो करेंगे। मंगलवार को किला थाने में लड़की को बरामद करने की मांग को लेकर भाजपा और हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था। लाठीचार्ज में भाजपा से जुड़े 45 कार्यकर्ताओं के घायल होने की बात कही गई। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की ओर से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। भाजपा और हिंदू संगठन के नेताओं के खिलाफ तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा, पुलिसकर्मियों से अभद्रता और बलवे का गलत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुझको लगता है गलत हुए हैं, क्योंकि अबोध बच्चे हैं। अगर कुछ शैतानी या भीड़ के साथ मिलकर अगर किसी कुर्सी को उन्होंने हाथ लगाया भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जिंदगी को खराब होने दें। हम प्रयास करेंगे, हम बात करेंगे बड़े अधिकारियों से, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके अभी लेटर टाइप हो रहे हैं कि हम अधिकारियों से बात करके प्रयास करेंगे कि उन सब ऊपर से ही मुकदमे हट जाए, क्योंकि ऐसा कोई क्राइम नहीं है। वो तैश में आके उस वक्त अगर छोटी मोटी अगर हरकत की है तो उसके लिए माफी मांगेंगे, माफीनामा लिख कर देंगे। इसमें मेरे को कई लोगों ने कहा कि कुछ लोगों के नामजद हुए हैं, तो जैसे हमारे विश्व हिंदू परिषद के दिव्य चतुर्वेदी हैं, उनका नामजद है, दर्ज किया गया, जबकि वो फुटेज में कहीं है ही नहीं। तो ऐसे अनाप शनाप किसी का भी नाम लिखने से कोई उससे कार्रवाई नहीं हो सकती, जब उसका प्रमाण मिलेगा तब उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे कई कार्यकर्ता उसमें थे ही नहीं और ना ही फुटेज में है। और जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।